गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेश्वर सन्निधिं कुरु। आज देश के अंदर जो ये कोरोना गुप्त रोग आ गया है, ये हमारा पूरे विश्व का और हमारे देश का ये गुप्त शत्रु है, और इस गुप्त शत्रु को पराजित करने के लिए हमारे पास गुप्त शस्त्र होना चाहिए, और वो ब्रह्मास्त्र हमारे पास गौ माता का गोबर और गौमूत्र का मिश्रण है। जब जब हमारे देश में ऐसी परेशानियां आई हैं, तब तब हमने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। यदि इस देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना से जागृत करने के लिए जनता के बीच में आह्वान करते हैं कि घंटी बजाओ और ताली बजाओ, और अब आगे 5 अप्रैल को सभी लोग अपने अपने घर में दीपक जलाएं, ऐसा आह्वान कर सकते हैं। हम पूरी तरह से इन बातों का समर्थन करते हैं। साथ साथ में हम ये भी आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश के लोगों को गौमूत्र और गोबर के छिड़काव का भी संदेश दें, जिससे कि हम ये जो गुप्त शत्रु है कोरोना, इस गुप्त शत्रु का मुकाबला कर सकें। और निश्चित रूप से ये जो कोरोना गुप्त शत्रु है, ये इस बीमारी के लिए, इस कोरोना के लिए, ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशस्त्र है, गोबर और गौमूत्र का मिश्रण, निश्चित रूप से इस विश्व युद्ध में हमारा जो भारतवर्ष है वो विजय प्राप्त करेगा, और इस विजय प्राप्त करने में गौ माता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संदेश को आज शीर्षस्थ जो जन हैं, लोग हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमने यह गोबर का और गौमूत्र के मिश्रण से स्नान करने का सोचा है, और अभी हम शीर्षासन लगा करके भी यही निवेदन इस देश के लोगों से, और शीर्षस्थ जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी बात पहुंचे। वैसे भी जो ये कोरोना बीमारी विश्व स्तरीय बीमारी है, और गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम कहें तो गाय को काव बोलते हैं, और COW, सी का मतलब है कोरोना, ओ का मतलब है आउट फ्रॉम, W का मतलब है वर्ल्ड, यानी संपूर्ण विश्व से गाय माता ही इस कोरोना को दूर कर सकती है। ये संदेश देने के लिए आज हम गौमूत्र और गोबर का स्नान कर रहे हैं, साथ साथ में शीर्षासन लगा करके इस शीर्षासन के माध्यम से इस संदेश को शीर्षस्थ जनों तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास है। और निश्चित रूप से जब घंटी बज सकती है, दीपक जल सकता है, तो इस देश में गौमूत्र का छिड़काव क्यों नहीं हो सकता है, जो कि रामबाण का काम करेगा।